हेलो एवरीवन, मासिक करंट अफेयर संग्रह में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम यहाँ पर भारत एवं विश्व के भूगोल अर्थात कि समसामयिक घटनाक्रम में भारत और विश्व से संबंधित कुछ ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों का यहाँ पर चर्चा करेंगे जो कि किसी न किसी कारण यहाँ पर देखे जाएँ तो कह सकते हैं हाईलाइटेड रहे, सुर्खियों में रहे। किस कारण से रहे, इनकी अवस्थिति क्या है, चर्चा का विषय क्यों बने हैं और इनसे संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ें तो वहाँ पे मैप ज़रूर ध्यान रखें, इमेजेस वहाँ पे देखें, उनको हाईलाइटेड करें कौन से क्षेत्र कहाँ पड़ते हैं, जिससे आपकी जानकारी जो है भौगोलिक दृष्टिकोण से अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर मासिक करंट अफेयर संग्रह में आज हम ऐसे ही यहाँ पर कुछ भौगोलिक क्षेत्रों को देखेंगे, उनसे संबंधित न्यूज़ भी देखेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर मैप भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से घटनाक्रम रहे हैं इस सब महीने में। देखिए यहाँ पे चेन्नई व्लादिवोस्टोक समुद्री मार्ग, टेम्पा लिंग गुफा, आर्कटिक में मीथेन समृद्ध भूजल धाराएं, जपरोजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र और सोलोमन द्वीप, कैनेरी द्वीप समूह, ग्रीष्म आयनांत, महादेई कलसा बंदूरी परियोजना, म्यान ज्वालामुखी, ऐसे कई सारे जो टॉपिक हैं आज हम यहाँ पर देखिए सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसमें सौर प्रज्वाल भी है, पृथ्वी के भू घूर्णन पर भू जल का निष्कर्षण से क्या प्रभाव पड़ता है, शनि के जो चंद्रमा है उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, म्यान ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे और देखा जाए तो ये सारे टॉपिक ज्योग्राफी में आप अलग अलग कह सकते हैं कि डिस्कस करते ही रहते हैं। लेकिन देखेंगे कि यहाँ पर ये चर्चा का विषय क्यों बने हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं चेन्नई टू व्लादिवोस्टोक यहाँ पे समुद्री मार्ग, मैप आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। हम भारत और रूस के मध्य जो यहाँ पर व्यापार की प्रक्रिया है, यहाँ पे देखिए दो समुद्री मार्ग हैं जहाँ के माध्यम से वर्तमान समय भारत का यहाँ पे एक व्यापार की एक स्थिति होती है। वर्तमान समय देखा जाए तो एक व्यापार के लिए भारत इस रूट का यहाँ पे चयन करता है जो कि काफ़ी लंबा यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। 8675 किलोमीटर का व्यापारिक मार्ग पड़ता है जिसके कारण लागत काफ़ी ज़्यादा आती है। यहाँ पे देखिए एक नए समुद्री मार्ग चेन्नई से व्लादिवोस्टोक, ये है यहाँ पे देखिए आप, व्लादिवोस्टोक यहाँ पे पड़ता है और ये आपका चेन्नई है। चेन्नई से व्लादिवोस्टोक यहाँ पर ये समुद्री मार्ग जो कि 5647 किलोमीटर ही केवल यहाँ पे लंबा है, इसको यहाँ पर डेवलप करने की बात की जा रही है जिससे भारत और रशिया के मध्य व्यापार की स्थितियाँ भी बेहतर होंगी और जो लागत यहाँ पर आएंगी वो भी आपको कम हो जाएगी। साथ ही यूरोपीय और यहाँ पर स्वेज नहर और यूरोपीय देशों पर निर्भरता की स्थिति भी आपको यहाँ पर कम हो जाएगी। एक से अधिक यहाँ पर वैकल्पिक समुद्री मार्गों की स्थितियाँ भी भारत के लिए नए मार्ग हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये मल्टी मॉडल एक ट्रांसपोर्ट लिंक बैंक एक्सपर्ट एक INSTC है जो कि यहाँ पर कई अलग अलग डायमेंशन रेल रोड समुद्री मार्गों के माध्यम से एक इंटरकनेक्टिविटी को जोड़ेगा। इसमें देखा जाए तो कोस्टल शिपिंग इंडिया जो होता है साउथ चाइना सी के थ्रू यहाँ पर साउथ एशियन कंट्री के साथ भी यहाँ पर एक व्यापारिक स्थितियों को बेहतर मजबूत कर सकता है। इसके अलावा इंडिया ओमान ईरान के मध्य यहाँ पर एक व्यापारिक भागीदारी को भी यहाँ पर इसमें डेवलप करने की बात की गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप भारत और कह सकते हैं कि ईरान और सेंट पीटर्सबर्ग के मध्य यहाँ पर एक स्थिति वर्तमान समय जो चल रही है उसको चेंज करते हुए यहाँ पर देखा जाए तो भारत साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के थ्रू यहाँ पर आपको साउथ चाइना सी से होते हुए समुद्री मार्ग से कनेक्ट होगा। यही यहाँ पर एक न्यूज़ यहाँ पर आपको डेवलप की गई है, ठीक है। तो देखा जाए तो ये जो व्लादिवोस्टोक चेन्नई मार्ग है ये जापान सागर, दक्षिण चीन सागर, मलक्का जनसंधि से होकर गुजरेगा। तो ये तीन पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं, चेन्नई जापान जो मार्ग है किस किस से होकर गुजरेगा, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इसमें देखिए जापान सागर है, दक्षिण चीन सागर है और मलक्का जनसंधि से होते हुए यहाँ पर आपको जाएगा। टोटल यहाँ पे 5647 किलोमीटर का एरिया पड़ेगा, आपको दूरी यहाँ पे पड़ेगी और व्लादिवोस्टोक बंदरगाह और चेन्नई बंदरगाह के मध्य यहाँ पे समुद्री संचार के संदर्भ में ऑलरेडी यहाँ पे एक MOU भी हस्ताक्षर हो चुका है। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से इसे यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। और इससे देखिए जो लागत और कॉस्ट की हम यहाँ पे लगातार बात कर रहे हैं, जो भारत के संदर्भ में यहाँ पे जो ज़रूरी एक पहलू आपको देखने को मिलता है वो इसमें देखिए 10 से 12 दिन का यहाँ पर जो व्यापार के लिए जो दिन लगते हैं लागत जो बढ़ जाती है 10 से 12 दिन यहाँ पे घट जाएंगे। पीटरबर्ग से मुंबई के मौजूदा मार्ग में यहाँ पर देखा जाए तो आपको समय ज़्यादा लगता है और अगर हम यहाँ पे व्लादिवोस्टोक चेन्नई वाला मार्ग यहाँ पर ओपन कर लेते हैं तो इससे 30% की यहाँ पर आपको परिवहन की जो लागत है वो आपको घट जाएगी। साथ ही भारत को मंगोलिया जैसे देशों तक सहित सुदूर पूर्व तक पहुँच और दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों के साथ मुख्य कह सकते हैं व्यापारिक स्थितियाँ भी बेहतर करने का अवसर इसके माध्यम से प्राप्त होगा।
इसके बाद अगला यहाँ पे है टेम्पालिंग गुफा है। या गुफा यहाँ पे चर्चा का विषय क्यों है, क्योंकि हाल ही में देखा जाए तो इसकी यहाँ पे खोज की गई है। देखा जाए देखिए टेम्पालो जो लिंग गुफा है ये पड़ता कहाँ है वो भी ज्योग्राफिकल तौर से हम देखते इसे चलते हैं। देखिए ये उत्तरी लाओस में पड़ता है, ठीक है, उत्तरी लाओस के एनामाइट पर्वत श्रृंखला में टेम्पालिंग गुफा की यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशिया में मानव आगमन के बारे में एक अभूतपूर्व यहाँ पर आपको जानकारी मिली है। ये एरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका है, ठीक है, लाओस का यहाँ पर कह सकते हैं कि मैप है आपका। और लाओस को देखिए तो यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा ज्योग्राफिकल वे में एक चीज़ और ध्यान रखें, किस किस देशों के साथ सीमाएं इसकी साझा होती हैं। तो यहाँ पर देखिए म्यांमार है, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, आपके इनके साथ यहाँ पर इसकी सीमाएं आपको साझा होती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको उत्तरी कह सकते हैं क्षेत्र में आपको देखा जाए तो ये उत्तरी लाओस में एनामाइट पर्वत श्रृंखला में टेम्पालिंग गुफा पड़ती है, ये भी ध्यान रखना है। जो गुफा है इसके बारे में देखिए, ये ढलान से बहकर निक्षेपों के माध्यम से बनी हुई है, ठीक है, ढलान से होते हुए जो निक्षेप आए हैं उससे मिल करके इस गुफा का यहाँ पर आपका निर्माण हुआ है। इसके बारे में जो खोज यहाँ पे की गई है उससे रिलेटेड जो फैक्ट है उन पर ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि दीर्घकालीन मानव उपस्थिति का पता चलता है, कितना, तो यहाँ पे बताया गया करीब 56,000 वर्षों के पूर्व टेम्पालिंग गुफा में आसपास मानव निवास की स्थिति यहाँ पर आपको मिलती है, जो कि इसकी पिछली धारणाओं को यहाँ पे चुनौती देती है। इसमें देखिए जो स्थिर तलछट संचय की यहाँ पे बात की गई है, इसमें बताया गया कि इसके विपरीत जो साइट हैं तलछट परतें तीव्र अवसादन घटनाओं के बजाय करीब 86,000 वर्षों की अनुमानित अवधि में लगातार ये विकसित हुई हैं। आगमन की जो समय रेखा है वो 7 मीटर गहराई में पाए गए पैर की हड्डी के टुकड़े की खोज से इसके संकेत यहाँ पे मिलते हैं, और ये 86,000 से 68,000 वर्ष पूर्व यहाँ पर इनकी उपस्थिति देखने को मिलती है आधुनिक मानव की। इसके अलावा टेम्पालिंग के साक्ष्य जो हैं दक्षिण पूर्व एशिया में होमो सेपियंस के आगमन के समय अवधि को और भी ज़्यादा पीछे कर देते हैं। जो आज तक यहाँ पर हमें पता था कि मानव की जो खोज की गई है, जो साक्ष्य यहाँ पर मिलने की बात की गई है, वो उससे भी पुरानी यहाँ पर अवधारणा को ये प्रस्तुत करता है। इसके अलावा डेनिसोवन कनेक्शन का उल्लेखनीय रूप से गुफा में करीब 1.5 लाख वर्ष पुराना एक दांत भी पाया गया है, इसे विलुप्त मानव रिश्तेदार डेनिसोवन की उपस्थिति से जो जोड़ देता है। तो काफ़ी कह सकते हैं पुरानी अवधारणा जो अब तक बनी अवधारणाएं थी उसको यहाँ पर ये चुनौती देते हुए यहाँ पर टेम्पालिंग गुफा से मिले साक्ष्य। अगला यहाँ पे देखिए आर्कटिक में मीथेन समृद्ध भूजल धाराओं की यहाँ पे खोज की गई है। समुद्री जो जल धाराएं होती हैं देखा जाए तो ये व्यापारिक स्थितियों के साथ साथ कई अन्य पारिस्थितिकी पर्यावरण स्थिति के लिए भी महत्वपूर्ण होती हैं। मीथेन की बात करें तो ये लगातार देखा जाए इनके निक्षेपों की स्थिति बताई जा रही है कि बर्फ के नीचे इनकी बड़ी मात्रा मौजूदगी की उपस्थिति, और हाल ही में देखा जाए तो मीथेन युक्त समुद्री जल धाराओं की चर्चा यहाँ पर हो रही है। क्या है ये, तो देखिए यहाँ पे नेचर जियो साइंस में एक प्रकाशित लेख आया है जिसमें कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन आर्कटिक में ग्लेशियरों के विस्थापन का यहाँ पे कारण बन रहा है, और मीथेन युक्त भूजल धाराएं जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं, जो कि आर्कटिक क्षेत्रों में लगातार इनकी उपस्थिति देखने को मिलती है। आर्कटिक की बात करें तो नॉर्वेजियन द्वीप समूह स्वालबार्ड में पाए जाने वाले जो धाराएं हैं वो वार्षिक 2000 टन से अधिक मीथेन का लगातार यहाँ पर उत्सर्जन कर रही हैं। तो क्षेत्र ध्यान रखिएगा कहाँ पाई जा रही हैं, तो नॉर्वे का जो नॉर्वेजियन जो द्वीप है आपका आर्कटिक क्षेत्र में, वहाँ पर ये समुद्री जल धाराएं आपको बहती हुई दिखाई दे रही हैं, और इसके नॉर्वे के तेल और गैस उद्योग के उत्सर्जन का करीब 10% के लगातार बराबर है। तो एक बड़ी मात्रा में मीथेन का यहाँ पर उत्सर्जन इन समुद्री जल धाराओं के माध्यम से किया जा रहा है। इसके साथ साथ देखा जाए तो इस क्षेत्र में समुद्री जल धाराओं को लेकर जल पूरे वर्ष पाई जाने वाली एक उच्च मीथेन सांद्रता, ठीक है, ग्लेशियरों के नीचे लगातार मीथेन की उपस्थिति को चर्चा का जो विषय लगातार बनी रही है उसको भी यहाँ पर यह पुष्ट करती है। ये धाराएं जो है वैश्विक मीथेन बजट का वर्तमान समय हिस्सा भी नहीं है, जो कि बजट है आपका, ठीक है, मीथेन की जो उपस्थिति है वैश्विक स्तर पे उसका यह हिस्सा नहीं कितना उत्सर्जन हो रहा है, ये एक्स्ट्रास हैं, और इसके कारण जलवायु परिवर्तन की स्थितियां और भी ज्यादा यहाँ पर कह सकते हैं समस्याप्रद हो सकती हैं। देखा जाए तो वैश्विक मीथेन जो बजट है उस मीथेन मात्रा का अनुमान लगाता है जो उत्सर्जन स्रोतों से उत्पन्न वातावरण में अवशोषित की गई है, ठीक है,
तो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के माध्यम से, चाहे वो औद्योगिक हैं, पशुओं के द्वारा हों या अन्य किसी प्रकार की प्रक्रिया, खेती इत्यादि के माध्यम से जो मीथेन उत्सर्जित हो रही है, वायुमंडल में जा रही है, जिसका वातावरण यहाँ पे लगातार अवशोषण कर रहा है, बस हम उसी को यहाँ पर वैश्विक मीथेन बजट में शामिल करते हैं। और ये जो समुद्री जल धाराओं के द्वारा मीथेन उत्सर्जन किया जा रहा है, ये फिलहाल बजट में नहीं है। भूजल जो धाराएं होती हैं, देखे जाएं, ये एक प्राकृतिक घटना है। जी, ये जल भूमिगत जलभृत से पृथ्वी की सतह पर निकलता है। ये सामान्यतः कब होते हैं? जब जलभृत यहाँ पे भीतर दबाव बनाता है, जिससे जल की चट्टानों में दरार और छिद्र के माध्यम से ये जल जो होते हैं, जमीन के नीचे से ऊपर की ओर आते हैं। अगला यहाँ पे है ज़ापोरिज़्या परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये कहाँ पड़ता है, इसको लेकर चर्चा का देखिए यहाँ पे विषय क्यों बना हुआ है। ये आप हाल फिलहाल में रशिया और यूक्रेन के मध्य एक युद्ध की लगातार जो स्थिति बनी हुई है, उसमें रशिया के द्वारा यूक्रेन के यहाँ पर देखे जाए परमाणु संयंत्रों पर कब्जे की बात भी आई है। देखा जाए, थोड़ा सा चर्चा का विषय देखेंगे, मैप भी देखेंगे कहाँ पड़ता है ज़ापोरिज़्या और बाकी सारे कंटेंट को। देखिए, यूक्रेन में आपको ज़ापोरिज़्या परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो वर्तमान में रूसी नियंत्रण में है, और लगातार इसमें सुरक्षा कारणों से संघर्ष के खतरे भी यहाँ पर आपको बने हुए हैं। हालांकि बेलोना फाउंडेशन की एक वर्तमान रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि ज़ापोरिज़्या एनपीपी में जोखिम और संभावित परिणाम चेर्नोबिल दुर्घटना जितने गंभीर होने की उम्मीद नहीं है। एक चीज फैक्ट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ज़ापोरिज़्या यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ध्यान रखिएगा, यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? ज़ापोरिज़्या है। यह संपूर्ण यूक्रेनी एनपीपी द्वारा उत्पादित कुल विद्युत का लगभग यहां पर देखा जाए तो कितना 40% हिस्से का उत्पादन करता है, और यूक्रेन के वार्षिक विद्युत उत्पादन का यह पांचवा हिस्सा है। तो देख सकते हैं कि यहां पर यूक्रेन की ऊर्जा उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा ज़ापोरिज़्या परमाणु ऊर्जा संयंत्र से आता है। अब चलिए मैप में आपको बता देता हूं पड़ता कहां है। तो ये एरिया आप देख सकते हैं, ठीक है, यहां पर ये पड़ता है ज़ापोरिज़्या। ये एरिया यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यूक्रेन का यहाँ पर आपका एरिया है, ठीक है। ये आप यहाँ पे क्रीमिया का हिस्सा देख सकते हैं, ये रशिया आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं, यहाँ पे आप बेलारूस को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप कीव है, उसकी राजधानी आप यहाँ पे देखिए, और ये चेर्नोबिल की यहाँ पर जो घटना हुई थी, इस एरिया में आपको पड़ता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो रशिया देखिए क्रीमिया पर ऑलरेडी उसने हिस्सा जमा लिया है। ये जो रेड कलर के जो एरिया यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, जितना भी आपको रेड कलर का एरिया यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये मोस्टली यहाँ पे देखा जाए तो मोस्टली आपको सारा का सारा रेड कलर का जितना एरिया है वो रूस के फिलहाल कब्जे में है, और बाकी यहाँ पर आपको कुछ हिस्सा जो है वो रशियन एडवांस एरिया पहुँच चुके हैं, बाकी यहाँ पर यूक्रेन के पास अपना हिस्सा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ तक यहाँ पर रशिया का हिस्सा है, ये चेर्नोबिल है, और ये ज़ापोरिज़्या है, ये आपका यूक्रेन, रशिया बेलारूस से यहाँ पे घिरा हुआ एक स्थिति आप इसे देख सकते हैं। तो भूगोल में मैप जरूर देखें, जब भी कोई टॉपिक पढ़ें मैप जरूर देखना है, ताकि टॉपिक की क्लियरेंस जरूर रहे। अगला यहाँ पे देखिए, सोलोमन द्वीप और चीन के मध्य यहाँ पर एक समझौते की स्थिति है कि सोलोमन द्वीप और चीन ने पुलिस व्यवस्था, आर्थिक तकनीकी सहयोग पर यहाँ पर संबंधों को मजबूत करने के संबंध में यहाँ पर एक हस्ताक्षर यहाँ पे किए हैं। सोलोमन द्वीप आप यहाँ पर इसकी उपस्थिति को देख सकते हैं, ये आपको कहाँ पड़ता है तो देख सकते हैं दक्षिण जो एशिया है आपका, दक्षिण पूर्व एशिया की स्थिति भी आप यहाँ पे मान सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास प्रशांत महासागर में इसकी एक उपस्थिति देखने को मिलती है। ये है आपका सोलोमन आपका द्वीप है यहाँ पे, ये किरिबाती है, तुलुवो है, फिजी है, वनातु है, यहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया को देख सकते हैं, पापुआ न्यू गिनी है, इंडोनेशिया है, तो ये इस एरिया में देखा जाए तो यहाँ पर उपस्थिति आपको सोलोमन द्वीप की है, और यहाँ पर इस देश के साथ यहाँ पे सोलोमन द्वीप के साथ चाइना ने यहाँ पर ये हस्ताक्षर किए हैं। लगातार देखिए चाइना इस छोटे छोटे द्वीपों पर ऐसे आर्थिक संबंधों को, तकनीकी रक्षा संबंध स्थापित करके इन देशों में सैन्य अड्डे स्थापित कर रहा है। जैसा कि आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के साथ चाइना के संबंध अच्छे नहीं हैं, और उस दृष्टिकोण से भी यहाँ पर सोलोमन द्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, और इस दृष्टिकोण से चाइना की यहाँ पर उपस्थिति एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनाने की स्थिति है। तो ये ज़रूर यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा आपको ध्यान रखना है। देखा जाए उसके बारे में कुछ और तथ्यों पर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। सोलोमन जो द्वीप है इसका वर्ष 2019 में राजनयिक यहाँ पे आप देख सकते हैं संबंधों की स्थिति विकसित हुई चाइना के साथ, और ताइवान से यहाँ पे चीन के बदले के फैसले यहाँ पर इसे आया था।
चीन का जो लक्ष्य है कि दक्षिण प्रशांत महासागर के क्षेत्र में देख सकते हैं आर्थिक और भू राजनीतिक हितों को अपने बढ़ावा देने का है और अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना के संदर्भ में यहाँ पर इन देशों के साथ व्यापार और विस्तार को और ज़्यादा बढ़ावा देना है। चीन जो है सोलोमन द्वीप के बीच बढ़ते क्षेत्रीय गतिशीलता को यहाँ पर उजागर करते हैं और विश्व राजनीति पर देखा जाए इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। सोलोमन द्वीप की बात करें तो ये पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में ओशिनिया में स्थित एक मेलानेशियन राष्ट्र है जिसमें 990 से अधिक यहाँ पर द्वीप हैं। इसकी राजधानी की बात करें तो ग्वाडल कैनाल में स्थित आपका हुनियारा है और इस क्षेत्र में देखा जाए 30,000 वर्षों तक मेलानेशियन का समृद्ध इतिहास आपको देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा सोलोमन द्वीप के बारे में उसकी जानकारी है, भौगोलिक स्थिति है और चाइना की भू राजनीतिक स्थिति का प्रभाव है। इसके बाद एक और द्वीप जो चर्चा का विषय बना वो कैनरी द्वीप समूह रहा। देखा जाए कैनरी द्वीप समूह के बारे में थोड़ी सी जानकारी तो प्रवासन पर ध्यान केंद्रित करने पर संगठनों के द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार स्पेन के कैनरी द्वीप की ओर जा रही एक छोटी सी जहाज में डूबने से 30 प्रवासियों की यहाँ पर मृत्यु हो गई है। बात करें स्पेन के कैनरी द्वीप के अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीप समूह, छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर के बना हुआ समूह है और कैनरी में ला पाल्मा, सांता क्रूज डे टेनेरिफ, स्पेनिश प्रांत शामिल हैं। कैनरी द्वीप की बात करें तो इसका समूह का निर्माण लाखों वर्ष पूर्व ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ था। आइए ज्योग्राफी में यहाँ पर थोड़ा सा मैप में भी इसे देख लेते हैं। ये एरिया है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेन का है और स्पेन की थोड़ी सी राजधानी जो है मैपिंग भी आप देख सकते हैं। स्पेन की देखा जाए यहाँ पे आपका पुर्तगाल के साथ इसकी सीमा लगती है, यहाँ पे आप फ्रांस भी है आपको देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप जो कैनरी जो द्वीप समूह की यहाँ पे हम बात करें ये अटलांटिक पूरा यहाँ पे आपका ओशियन यहाँ पे पड़ रहा है। मोरक्को है यहाँ पे आप देख सकते हैं, अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया है और ये जो कैनरी द्वीप समूह है यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कैनरी द्वीप समूह की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर ये हादसा हुआ है। तो स्पेन से बहुत ज़्यादा यहाँ पे दूर नहीं पड़ता है और यहाँ पे स्पेन का ये हिस्सा भी है। कैनरी न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो ये छोटे छोटे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये छोटे छोटे आप इनके द्वीप समूहों की स्थिति इसको देख सकते हैं जिसमें यहाँ पे ला पाल्मा यहाँ पे आपको पड़ता है, यहाँ पे टेनेरिफ पड़ता है, ये ला गोमेरा पड़ता है, यहाँ पे ग्रे कैनेरिया पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे 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 द्वीप समूह हैं जो कि पाँच आप देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बड़े यहाँ पे आपको समूह है। इसके अलावा आपको देखा है कुछ छोटे छोटे भी द्वीप आपको इसमें देखने को मिलते हैं। चलिए अगली एक घटना यहाँ पे ज्योग्राफी से जुड़ी हुई है जिसको हम कहते हैं ग्रीष्म अयनांत। क्या है ये ग्रीष्म अयनांत की एक स्थिति जो ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं? देखिए ग्रीष्म अयनांत की जो घटना है ये हुई आपको उत्तरी गोलार्ध में और कब हुई तो 21 जून को हुई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर एक घटना हुई जिसे हम ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। ये वर्ष के सबसे लंबे दिन को यहाँ पे सूचित करता है। जैसा आप सब जानते हैं कि दिन का या कह सकते हैं साल भर का सबसे जो लंबा दिन आपको किस दिन होता है, 21 जून को होता है और इस खगोलीय घटना के दिन पृथ्वी जो होती है अपनी धुरी पर झुके होने का परिणाम यहाँ पर ये सबसे लंबा दिन होने है। सूर्य के संबंध में यहाँ पर देखा जाए तो 23.5 डिग्री का यहाँ पे झुकाव अयनांत के रूप में जाना जाता है। तो ग्रीष्म अयनांत का मतलब क्या है, 21 जून के दिन पृथ्वी जो होती है वो 23.5 डिग्री झुकी होती है सूर्य की ओर, जिसे हम यहाँ पर आपको कहते हैं कि ग्रीष्म अयनांत की घटना। तो यहाँ पर ये एक स्थिति आप देख सकते हैं, चार स्थितियाँ बेसिकली आपको देखने को मिलती हैं अलग अलग घटनाक्रमों में। एक यहाँ पे आप देख सकते हैं और एक यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो 23.5 डिग्री यहाँ पे 21 से 22 दिसंबर विंटर सोलस्टिक होता है जहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे एक छोटे दिन की स्थिति में, यहाँ पे मार्च में, ये सितंबर में और ये जून में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे लंबा दिन जो होता है ये 21 जून को यहाँ पर आपको पड़ता है। साथ ही देखिए अयनांत जो है एक लैटिन शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है ठहरा हुआ सूर्य। मार्च और सितंबर के बीच उत्तरी गोलार्ध में सूर्य के इस लंबवत होने के कारण पृथ्वी पर सीधी धूप पड़ती है और गर्मी का यहाँ पर मौसम आपको शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मार्च से सितंबर के मध्य तक सूर्य आपको कहाँ रहता है, उत्तरी गोलार्ध में रहता है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और यहाँ पर भारत में आपको गर्मी की स्थिति बढ़ जाती है, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी आपको पड़ने लगती है। ग्रीष्म अयनांत के दौरान अगर हम देखें तो सूर्य के प्रकाश की मात्रा अक्षांश के आधार पर भिन्न भिन्न होती है।
जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर के क्षेत्रों में दिन बड़ा होता है, जबकि आर्कटिक वृत्त में अनांत के दौरान सूर्य पूरे दिन यहाँ पे दिखाई देता रहता है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो 21, 22 और 23 सितंबर को सबसे अधिक धूप पड़ती है और उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे लंबी रातें होती हैं और दिन छोटे होते हैं, तो इसे हम शीतकालीन अनांत के नाम से जानते हैं। अगला यहाँ पे देखें, एक और ज्योग्राफिकल का एक टॉपिक आया, महानदी नदी पर देखा जाए तो एक कलसा बंदूरी परियोजना। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा चर्चा का विषय क्यों बनी है, क्योंकि कर्नाटक के बेलगावी में, ठीक है, कर्नाटक के बेलगावी में देखा जाए और धारवाड़, बागलकोट, गडक जिलों में पेयजल आपूर्ति में सुधार करने के लिए मालप्रभा नदी के निकट यहाँ पे, जो कि देखा जाए कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है, इसे जोड़ने हेतु महादई नदी को दो सहायक नदियों, एक है कलसा एक है बंदूरी, पर यहाँ पे बैराज बनाने की बात की गई है। महादई जो है पश्चिम की ओर बहने वाली कर्नाटक के बेलगावी जिले के भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य से निकलती है और यह नदी गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र के जिलों से होकर आपको प्रवाहित होती है। कलसा बंदूरी परियोजना जो है अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद, पर्यावरण संबंधी चिंताओं, स्थानीय समुदायों के विरोध के कारण ये लगातार आपको चर्चा का विषय रही है। ये देख सकते हैं महादई नदी। अब आइए थोड़ा सा इसी चीज को हम ज्योग्राफी के माध्यम समझते हैं, जो आपको ज्यादा लंबे समय तक याद रह सकती है। ये एरिया पहला देखिए, ये है गोवा, ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं ये आपको महादई नदी यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मालप्रभा आपको नदी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है ये ब्लू कलर की, और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं महादई नदी है। ठीक है, ये गोवा का एरिया यहाँ पे है, ये आपको कर्नाटक आपको दिखाई दे रहा है, तो गोवा और कर्नाटक के मध्य की एक स्थिति में आप इसे बहता हुआ आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको महाराष्ट्र है। अब यहाँ पे देखा जाए इस महादई नदी के संदर्भ में ही यहाँ पर इस पर कलसा और बंदूरी परियोजना आपको बनाई जा रही है, जिसके माध्यम से यहाँ पर देखा जाए कर्नाटक में पेयजल की स्थितियों को समृद्ध बनाने के संदर्भ में काम किया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है और इसी को लेकर के थोड़ा सा अंतर्राज्य जल विवाद की स्थिति भी बन जाती है, कई बार यहाँ पर स्थानीय पर्यावरण की भी एक स्थिति बनती है, तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रखना है। इसके अलावा असम में आई बाढ़, बेकी नदी जो है यहाँ पर बाढ़ का कारण बनी है। आप देख सकते हैं आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दैनिक बाढ़ की स्थिति, जब भी वर्षा ऋतु आती है तो असम जैसे क्षेत्रों में बाढ़ प्रतिवर्ष आने की एक प्रमुख घटना आपको देखने को मिलती है, और असम में बाढ़ की स्थिति लगातार आपको गंभीर बनी हुई है, और राज्य के करीब 20 जिले जो हैं वो बारिश से फिलहाल यहाँ पे प्रभावित हैं। इसमें ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है जिसे हम बेकी नदी के नाम से जानते हैं, वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और उसके कारण देखा जाए तो यहाँ पर बाढ़ की स्थिति आपको बनी हुई है। इसे बेकी नदी को भूटान में हम कुरिस्यू नदी के नाम से भी जानते हैं, तो एक और नाम है इसका ध्यान रखिएगा, बेकी नदी को भूटान में किस नाम से जानते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कुरिस्यू के नाम से, भूटान में कुरिस्यू कहते हैं इसे। और ब्रह्मपुत्र की नदी है, कई बार पूछा जाता है कौन सी दाहिने साइड से मिली है, बाएं साइड से मिली है, तो यहाँ पे देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी के दाहिने किनारे की ओर बहने वाली सहायक नदी है, और इसका एक बड़ा हिस्सा आपको आसाम में होकर बहता है और कई समुदायों के लिए आजीविका और परिवहन का भी साधन है बेकी नदी। अगला यहाँ पे देखिए म्यान ज्वालामुखी चर्चा का विषय बना। म्यान ज्वालामुखी देखा जाए तो 11 जून 2023 को म्यान ज्वालामुखी से लावा निकलने कारण करीब 18,000 लोगों को आपातकालीन आश्रमों में भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये पड़ता कहाँ है तो देखिए लेगास्पी शहर के सक्रिय में म्यान ज्वालामुखी यहाँ पर देखा जाए ये घिरा हुआ है। फिलीपींस द्वीप में यहाँ पर आपको फिलीपींस द्वीप समूह जो है आपका देश जो है वहाँ पर ये पड़ता है और ये शंक्वाकार का है और देखा जाए तो फिलीपींस के 24 ज्ञात ज्वालामुखियों में ये सबसे अधिक सक्रिय है। तो ध्यान रखिएगा म्यान ज्वालामुखी आपको कहाँ पड़ता है, फिलीपींस में, और ये शिवरार्थियों के लिए काफ़ी लोकप्रिय है म्यान ज्वालामुखी। पर्वतारोही यहाँ पर आपको काफ़ी जाते हैं, तो एक तरीके से देख सकते हैं आपको एक ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान का भी एक केंद्र है आपका जो फिलीपींस में आपको पड़ता है। इसके बाद शनि के चंद्रमा एनसेलेडस पर फास्फोरस की यहाँ पर खोज की गई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शनि है, शनि को आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इसके छल्ले नुमा एक ग्रह की एक स्थिति जो एकमात्र है जिसमें छल्ले आपको देखने को मिलते हैं, और इसी के यहाँ पे चंद्रमा की अगर हम बात करें जिसका नाम है आपको एनसेलेडस, यहाँ पे देखिए तो इसके एनसेलेडस पर ही फास्फोरस की यहाँ पर हाल ही में खोज की गई है, और ये जो खोज की गई है यहाँ पे देखा जाए तो वर्ष 2017 में नासा के देख सकते हैं कैसेनी
कैसनी अंतरिक्ष यान के द्वारा 2004 से 2017 तक विशाल ग्रह और उसके छल्लों की लगातार यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि आंकड़े वहाँ पर एकत्रित कर रहे हैं करीब 13 साल से, और उन आंकड़ों के आधार पर यहाँ पर उनकी समीक्षा की गई। और अभी हाल ही में ये रिपोर्ट आई है इन समीक्षा के आधार पर कि यहाँ पर आपको फास्फोरस की उपस्थिति देखने को मिली है। फास्फोरस की बात करें तो इसमें डीएनए आरएनए की संरचना का एक महत्वपूर्ण आपको पदार्थ होता है और पृथ्वी के पर जीवन के सभी रूपों में विद्यमान कोश की झिल्लियों ऊर्जा वाहक अणुओं का भी एक महत्वपूर्ण भाग है। तो देखा जाए फास्फोरस का यहाँ पे साइंस के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट आपका पहलू है, इसको आपको पता है, ठीक है। तो फास्फोरस आपके डीएनए आरएनए की संरचना के लिए जरूरी है, साथ ही कोश की झिल्लियों और ऊर्जा वाहक अणुओं के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण भाग है। इस नई खोज से एनसेलेडस को पृथ्वी से परे सौर मंडल में केवल रोगाणुओं के रहने योग्य स्थान के रूप में संभावित विकल्प यहां पर बनाता है। और 25 वर्षों में वैज्ञानिकों ने सौर मंडल में बर्फ की सतही परत के नीचे महासागरों के साथ रहने योग्य स्थानों की यहां पर खोज की है, जिसमें बृहस्पति का चंद्रमा यूरोपा, शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन भी यहाँ पर आपको शामिल है कि कुछ क्षेत्रों में जीवन की संभावना यहाँ पर लगातार तलाशी गई है। इसके अलावा पृथ्वी के घूर्णन पर भूजल निष्कर्षण के प्रभाव को लगातार यहाँ पर देखा जाए तो इस पर हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि लगातार भूजल निष्कर्षण के कारण पृथ्वी के घूर्णन की जो गति है वो प्रभावित हो रही है। इसमें देखा जाए तो शोधकर्ताओं ने कहा है कि केवल बर्फ की परतों और हिमनदों में हुए बदलाव के बाद भूजल पुनर्वितरण परिदृश्यों में परिवर्तन के साथ ही पृथ्वी के घूर्णन अक्ष जल के बहाव की गति में लगातार आपको परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और बात करें अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी के घूर्णन को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, तो ये फैक्ट ध्यान रखना है कि ध्रुवीय गति में योगदान करने वाले कारकों में मौसम, क्रोड का पिघलना और शक्तिशाली तूफान ये जरूरी हैं वहाँ पर आपके पृथ्वी के घूर्णन को, ये तीनों ही चीज़ें प्रभावित कर सकती हैं। साथ ही ध्रुवीय गति का कारण जलमंडल, वायुमंडल, महासागरों अथवा स्थल मंडल में परिवर्तन भी यहां पर एक कारण आपको बनता है। जो प्रमुख निष्कर्ष आपको इस रिपोर्ट में देखने को मिलते हैं उन पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। देखिए यहां पे कहा गया कि पृथ्वी के झुकने की जो स्थितियां हैं 1993 से अगर हम 2010 के बीच की स्थिति को यहां पर देखें तो जो डेटा कहता है कि भूजल निष्कर्षण ने पृथ्वी को लगभग 80 सेंटीमीटर पूर्व की ओर झुका दिया है। कितना? 80 सेंटीमीटर, एक दो सेंटीमीटर नहीं, 80 सेंटीमीटर पृथ्वी पूर्व की ओर झुक चुकी है। और पृथ्वी का जो जल संचरण है, परिसंचरण है, यह निर्धारित करता है कि द्रव्यमान कैसे यहां पर वितरित होता है। 1993 से 2010 के बीच 2150 गीगाटन भूजल का निष्कर्षण किया गया और यह समुद्र के स्तर में 6 मिलीमीटर से अधिक की वृद्धि इसके कारण दर्ज हुई है। ध्रुवीय विस्थापन का क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी समझ लीजिए। अत्यधिक भूजल ज्यादा अगर आप देखा जाए तो जल अगर आप बाहर निकल जाता है पृथ्वी के भूगर्भ से तो इससे प्रतिवर्ष करीब 4.36 सेंटीमीटर की दर से पृथ्वी के ध्रुवीय विस्थापन यहां पर स्थिति प्रारंभ हो जाएगी। और उल्लेखित अवधि के दौरान भूजल पंपिंग से समुद्र के स्तर में 6.24 मिलीमीटर की वृद्धि में भी ये योगदान दे रहा है। तो दोनों स्थितियों में यहां पर आपको परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, एक तो समुद्री जल स्तर का बढ़ना और दूसरी तरफ पृथ्वी का यहां पर झुकना, उसके अक्ष में यहां पर घुमाव की स्थिति। एक और टॉपिक यहां पर है दैतारी ग्रीन बेल्ट, ये क्या है? हाल ही में देखा जाए तो एक शोध में बताया गया कि सिंह जो भूमि है भारत में उल्लेखनीय रूप से संरक्षित ज्वालामुखी और तलछटी चट्टानों का यहाँ पर विश्लेषण करके कि ये करीब 3.5 अरब वर्ष यहाँ पर पुराने आपको चट्टाने पाई गई हैं। इस अध्ययन क्षेत्र से यह पता चलता है कि भारत का जो पूर्वी भारत है इसमें सिंह भूमि क्रेटन में दैतारी ग्रीन बेल्ट में लगभग 3.5 अरब वर्ष यहाँ पर पहले ज्वालामुखी और तलछटी चट्टाने हुआ करती थी। ये चट्टानें अच्छी तरह से संरक्षित हैं और पृथ्वी के अतीत की यहाँ पे झलक को पेश करती हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दैतारी यहाँ पे ग्रीन बेल्ट है, इस स्थिति को आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये ग्रीन बेल्ट का जो आपको दैतारी आयरन मिलने हैं तो ये एरिया आपको यहाँ पे ये सिंहभूम है, ये भारत का एरिया आप देख सकते हैं, ठीक है। इस सिंहभूम के इस वाले एरिया में ये स्थिति आपको देखने को मिलती है जिसे हम दैतारी ग्रीन बेल्ट यहाँ पर आपको कह रहे हैं। देखा जाए ग्रीन स्टोन्स की भूगर्भिक संरचना के दृष्टिकोण से दैतारी ग्रीन स्टोन बेल्ट दक्षिण अफ्रीका के बारबर्टन
और साथ ही नोंडवेनी क्षेत्रों में पाए जाने में ग्रीनस्टोन के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के पिलवारा क्रेटन में पाए जाने ग्रीनस्टोन के समान भूवैज्ञानिक विशेषताएं साझा करती है। अर्थात भारत के सिंहभूम में पाए जाने वाली जो ग्रीन बेल्ट दैतारी है वो वैसी ही है जैसे कि यहाँ पर अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के कुछ क्षेत्रों में आपको पाई जाती है। अगला टॉपिक है यहाँ पे सौर प्रज्वाल। देखिए ये क्या है, ये क्यों चर्चा का यहाँ पर विषय बना है, तो सौर प्रज्वाल को थोड़ा समझ लीजिए। हाल ही में देखा जाए तो सूर्य ने एक्स क्लास और प्रज्वाल का यहाँ पे उत्सर्जन किया है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका और प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों पर रेडियो संचार को यहाँ पर इससे बाधित हो गया। देखा जाए तो राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन यानी कि नासा ने के अनुसार प्रज्वाल को एक्सटेन प्रज्वाल के रूप में यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है। अब यहाँ पे ये प्रज्वाल है क्या, इससे किस तरह की स्थितियाँ होती हैं, क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए जो सौर प्रज्वाल है ये एक तरह के विकृत यानी कि ट्विस्टेड चुंबकीय क्षेत्रों अधिकतर जो कि सूर्य के ऊपर होती हैं में फंसी यहाँ पे ऊर्जा अप्रत्याशित रूप से जारी होती है, अचानक से एक तरीके से सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा जो चुंबकीय क्षेत्रों में फंसी हुई होती है और इसके कारण यहाँ पर एक बड़े विस्फोट का ये कारण बनती है और इस बड़े विस्फोट के बाद सौर प्रज्वाल यहाँ पर तेजी से बाहर की ओर उत्सर्जित होता है। सूर्य की बात करें तो सबसे चमकीले क्षेत्रों में देखा जाए इन्हें सूर्य पर चमकीले क्षेत्रों के रूप में देखा जाता है जो सौर प्रज्वाल है, ये मिनटों में से लेकर घंटों तक उस स्थान पर विद्यमान रह सकते हैं। कुछ ही मिनटों में देखा जाए तो ये सामग्री को कई लाख डिग्री तक गर्म कर देते हैं और रेडियो तरंगों से लेकर एक्सरे और गामा रे सहित विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम विकिरण स्पेक्ट्रम या विस्फोट का यहाँ पर कारण बनते हैं। इसके कारण ये रेडियो संचार पावर ग्रिड नेविगेशन सिग्नल को प्रभावित कर सकते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों और अंतरिक्षयान को यहाँ पर खतरे में भी डाल सकते हैं। तो ये एक स्थिति आप देख सकते हैं, ये आपको एक सूर्य की स्थिति है, ठीक है। यहाँ पर ये जो घटना आप देख रहे हैं, ठीक है, ये आप एरिया देखिए सूर्य का, यहाँ पर ये चमकीला जो क्षेत्र ये यहाँ पर आप देखिए सौर यहाँ पर एक तरीके का विस्फोट की स्थिति है और उसके बाद ये चमकीला जो रेड कलर के यहाँ से निकल रहा है इसे हम सौर प्रज्वाल की यहाँ पर आपको घटना कहते हैं। और यहाँ पे देखिए जो काला काला यहाँ पे क्षेत्र आपको सूर्य में के बीच में यहाँ पर ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है इसे हम सन स्पॉट कहते हैं, जहाँ पर आपको देखा जाए ये इस एरिया को आप कह सकते हैं कि जब ब्लैक एरिया आपको दिखाई देता है तो ये सूर्य के ठंडे क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है जो उसके आसपास के एरिया से ज्यादा ठंडा आपको होगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ठंडा है, गर्म फिर भी है, लेकिन यहाँ पर अन्य एरिया के मुकाबले ये क्षेत्र उनसे ठंडे होने के कारण ये ब्लैक स्पॉट्स आपको भी दिखाई देते हैं। श्रेणियों की इसमें बात करें तो एक्सरे तरंग होती है यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि इन्हें एक्सटेंड श्रेणी में यहाँ पर डाला गया है, तो अलग अलग जो श्रेणियां हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक्सरे जो तरंग दैर्ध्य हैं उनकी चमक के अनुसार सौर प्रज्वाल की पांच श्रेणियां हैं, ए बी सी एम और एक्स, ठीक है, पांच श्रेणियां हैं ए बी सी एम एक्स, और प्रत्येक वर्ग अपने से पहले वर्ग से कम या 10 गुना अधिक यहाँ पे शक्तिशाली होगा, कम से कम 10 गुना अधिक शक्तिशाली होगा। अब एक्स अगर क्लास फ्लेयर्स है जो सबसे बड़े आकार के होते हैं, ये प्रमुख घटनाएं जो संपूर्ण विश्व में रेडियो ब्लैकआउट और ऊपरी वायुमंडल में लंबे समय तक चलने वाले विकिरण तूफानों को उत्प्रेरित करता है और इसलिए ये सबसे खतरनाक श्रेणी होती है। इसके बाद आता है एम क्लास फ्लेयर्स या मध्यम आकार के होते हैं जो उससे कम यहाँ पर शक्तिशाली हैं, इनके कारण रेडियो ब्लैकआउट कारण ये भी बन सकते हैं, पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, छोटे विकिरण तूफान कभी कभी एम श्रेणी की चमक के बाद भी आते हैं। इसके बाद आता है सी क्लास फ्लेयर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें छोटे आकार की ये होते हैं, एक्स और एम के बाद सी क्लास फ्लेयर्स पृथ्वी के कुछ ध्यान देने योग्य परिणामों के साथ छोटे स्वरूप में यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके बाद ए क्लास फ्लेयर्स होते हैं जो पृष्ठभूमि स्तर के पास होते हैं और ये अन्य फ्लेयर्स के बाद सबसे बाद में आते हैं था सबसे कम यहाँ पर कह सकते हैं कि नुकसानदेह होते हैं। इसके साथ साथ एक कुछ पॉइंट और आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि सौर प्रज्वाल जो है कोरोनल मास इंजेक्शन से भिन्न है, इन्हें कभी सोलर फ्लेयर्स के द्वारा प्रारंभ माना जाता था। सीएमई जो है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से जुड़े गैस के विशाल बुलबुले हैं,
जो कई घंटों के दौरान सूर्य से निकलते रहते हैं, और हालांकि देखा जाए तो कुछ प्रज्वल भी होते हैं, लेकिन अब यह ज्ञात हो चुका है कि अधिकांश जो हैं वो स्वतंत्र रूप से आपको घटित होते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्वर प्रज्वल जो होते हैं उनके बारे में ध्यान रखिएगा, ये 5 श्रेणियों में होते हैं। इनके कारण यहाँ पर रेडियो संचार और तरीके के ब्लैकआउट की भी स्थिति होती है, और एक बहुत बड़े विस्फोट के यहाँ पे कारण यहाँ पे सौर फ्लेयर्स की एक स्थिति को से जितने ज़्यादा खतरनाक की श्रेणी में हम इन्हें रखते हैं। तो इसके बारे में देखिए ये रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। ज्योग्राफिकल यहाँ पर देखा जाए तो हमने एक मंथ से रिलेटेड जो भौगोलिक घटनाक्रम चर्चा का विषय है उन्हें देखा। ज्योग्राफी को जब भी पढ़िए मैप के थ्रू पढ़िए, ताकि यहाँ पर आपको सिर्फ जो डेटा है जो जानकारी है वो ना क्लियर हो, बल्कि उसके साथ साथ कुछ अतिरिक्त जानकारी, कुछ भौगोलिक यहाँ पर जानकारी और इमेज जो होती है वो आपके साथ यहाँ पर स्टक कर जाए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और यहाँ पर नेक्स्ट विषय को लेकर यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उससे संबंधित यहाँ पर मंथली आपके करंट अफेयर को लेकर। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।